हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज की देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जन सूचना दिनांक 28/7/2023 केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदकों जिन्होंने दिनांक 27/4/2023 से 26/5/2023 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान किया था को सूचित किया जाता है कि अब यह परीक्षा 20/8/2023 को OMR आधारित यानी ऑफलाइन मोड पे आयोजित की जा रही है। आवेदकों के प्रवेश पत्र जिनमें उनको आवंटित परीक्षा के शहर का उल्लेख है CTET की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, यानी देखिए इस वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आवेदकों को यह भी सूचित किया जाता है चूँकि CTET यानी CTET के लिए आवेदक करते समय उन्होंने ऑनलाइन परीक्षा के अनुसार परीक्षा के शहरों का चयन किया था, परंतु अब यह परीक्षा ऑफलाइन मोड में आयोजित होने के कारण तथा परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर बदल गए हैं। अतः आवेदकों द्वारा अपने ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए उनके वर्तमान पते के जनपद को आधार मानते हुए उन्हें परीक्षा केंद्रों के शहर के रूप में उनके वर्तमान पते के जनपद के नज़दीक का परीक्षा शहर आवंटित किया गया है। परीक्षा के शहर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि अब क्या है, जो आप लोगों को यानी सेंटर प्रोवाइड हो जाएगा उसके बाद उस पर कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा के समय के विस्तृत विवरण के साथ प्रवेश पत्र 18/8/2023 को CTET की वेबसाइट https://ctet.nic.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग देखिए अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। हो सकता है कि अभी थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू हो, क्योंकि जैसे ही न्यूज़ वायरल होती है तो तुरंत से क्या होता है कि थोड़ा सा लोड पड़ जाता है। इसलिए आप लोग शाम तक देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को सेंटर कहाँ प्रोवाइड हुआ है। और फ्रेंड्स, CTET की अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहें। हमारे चैनल पर भी सीरियल वाइज तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हिंदी के 2011 से 2022 तक के सभी पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, प्लस पर्यावरण और कक्षा 6 से 8 तक के जो आपका सामाजिक अध्ययन का है उस पेपर को भी सॉल्व कराया जा रहा है। सो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। अगर हमारे चैनल पर अभी नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कोई भी न्यूज़ आप लोगों से ना छूटे। थैंक यू।